मेरे पर एक केस है जी कि मेरी बहन को मैंने इन्फ्लुएंस करके एक 6 अरब की जमीन दिलवा दी सिर्फ 6 करोड़ में, और 6 अरब की इसलिए क्योंकि वहां को नहर लगनी थी तो उससे उसकी कीमत ऊपर चली जानी थी, और मैंने जबरदस्ती लोगों से कह के, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैंने जबरदस्ती कह के वो किसानों से उसे जमीन दिलवा दी। अब ये इतने डफर्स हैं, इनको यही नहीं पता कि जो मेरी बहन ने पैसे दिए वो चेक से दिए हुए पैसे। चेक 25 अप्रैल को 2022 को एक चेक दिया गया है और 2 जून 2022 को दूसरा चेक दिया गया है। इमरान खान 9 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर हट चुका था, तो मैंने कैसे इन्फ्लुएंस किया वो किसानों को? सो अगर ये है कि ये है मेरे ऊपर करप्शन के केसेस, इसके ऊपर चक्कर लग रहा है मेरे, कभी एक अदालत से कभी नैब में जा, अच्छा और तोशाखाना के ऊपर नैब का भी केस है, तोशाखाना के ऊपर इलेक्शन कमीशन का भी केस है और FIR भी कटी हुई है एक ही तोशाखाना के ऊपर। ये आ गए करप्शन के केसेस। आगे चले जरा मैं आपको जरा बता दूं कि और कौन से केसेस हैं। अच्छा जी, कत्ल केस, मर्द कोयटा के अंदर कत्ल होता है, उसके 4 घंटे के अंदर अंदर शबाज शरीफ का जो मशीर होता है मिस्टर डेंटोनिक, वो जाके एकदम टीवी पे आके कहता है कि जी इमरान खान ने इसको कत्ल कर दिया। उस वक्त मेरे पर 150 केसेस थे, मुझे क्या पता कि कौन वो कौन सा केस है, कौन सा वकील है, वो मेरे हमें रेडार पे नहीं था कि पता नहीं वो क्या केस है। मुझे तो ये नहीं पता केस क्या था जी, वकील को इमरान खान ने कत्ल करवा दिया। उसके बाद उसके बेटे को उठाती है पुलिस, सारे क्वेटा को पता क्या हुआ क्योंकि सारी वकला कम्युनिटी को पता है, उसको 12 घंटे पुलिस रखती है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और उसके बाद वो FIR में इमरान खान का नाम ले देता है कि इमरान खान ने कत्ल किया। उसके अगले दिन उसकी बीवी, वो बीवी स्टेटमेंट, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है कि ये मेरे खानदान ने, रिश्तेदारों ने इसका कत्ल किया है। उससे पहले एक बकायदा डेमोंस्ट्रेशन होती है उस वकील के खिलाफ कि इसने हमारा कत्ल करवाया है। अदालत को वही वकील जाके कहता है कि मेरे केसेस सिबी में ना लगाओ, क्यों यहां लगाओ, क्योंकि हमारी दुश्मनियां हैं। उसका कत्ल मेरे पे डाल के और FIR कट जाती है 302 की और कहते हैं जी आप कोटा जाके अपेयर करें। और फिर इससे पहले जिले शाह का जब 8 मार्च को कत्ल होता है पुलिस कस्टडी में, मेरे ऊपर फिर कत्ल का केस डाल देते हैं। मैं घर में बैठा हुआ हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा क्योंकि यहाँ टेयर गैसिंग चल रही थी उस दिन, क्योंकि हम अपनी रैली निकालने लगे, पता चला जरा एकदम 144 पुलिस ने लगा के तो रैली रोक दी है। तो मैं अंदर बैठा हूँ, मेरे ऊपर 302 का कत्ल का केस हो जाता है। 3 दिन के बाद जब जिले शाह का पोस्टमार्टम होता है और पता चलता है कि 26 जगह उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको कत्ल किया, अब उसके बाद पुलिस फंस जाती है। फिर क्या करती है, नहीं जी वो एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट में भी फिर मुझे किस बात है कि जी मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, एक और FIR कट जाती है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो कत्ल करने का केस है, ये याद रखें कि ये पहले से ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये पुराने गाहक हैं, ये लोगों को कत्ल करवाने के ये हैं, ये शबाज शरीफ खास तौर पे, और ये जो लोगों के ऊपर झूठे केसेस करने के ये मास्टर हैं उसके। मैं अब बात कर रहा हूँ ये जब 97 से 99 तक, ये शबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर था और भाई साहब ऊपर प्राइम मिनिस्टर थे, ज़रा ये छोटी सी एक आबद बॉक्सर ने इसके ऊपर कहा हुआ है, 97 से 99 तक था शबाज शरीफ। आर्टिकल क्या है उसमें, कहता है 850 एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, पुलिस मुकाबले में लोगों को मरवाया जाता जब शबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था, और उसके अंदर वो एमनेस्टी इंटरनेशनल कंफर्म करती है कि ये बिल्कुल ठीक है कि पुलिस इनकाउंटर के जरिए शबाज शरीफ ने लोग इसके दौर में लोग मरवाए गए। अब जरा ये सुने कि आबिद बॉक्सर क्या कहता है। पंजाब में जाली मुकाबलों के लिए पुलिस इंस्पेक्टर्स को कैसे मजबूर किया जाता है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर की नए वीडियो में सनसनीखेज इंकशाफात, मुझे हिरासत में लेकर झूठे मुकदमात में नामजद किया गया, ये उनकी जानिब से कहा गया। कुछ चीजें जो मीडिया और पब्लिक के सामने लाना चाहता हूँ,
कि किस तरह मियां शरीफ मियां नवाज़ शहबाज़ शरीफ साहब लोगों के रिकॉर्ड बनवाते हैं, किस तरह उन्हें जाली कुर्फ मुकाबले में मारा जाता है, किस तरह लोगों की जायदादें हथियाई जाती हैं, ये तमाम चीजें मैं आज पब्लिक के सामने रखूंगा ताकि वो उसका फैसला कर सके। मैं 99 में बतौर SHO फैक्ट्री एरिया तैनात था, मैं मामू एक रकबा बाबुचा के मलकियत के दावेदार थे। मियाँ साहब उसको खरीदना चाहते थे लेकिन कीमत मियाँ साहब की मर्जी की डिसाइड नहीं हो रही थी, जिसके बाद मियाँ साहब ने उसको हथियाने का फैसला किया। लियाकत नाम के माली को मुदई बना दिया गया और मुदई बनाने के बाद उसको एक पर्चा दे दिया गया कि ये तमाम रजिस्ट्रियां बालबुच्चा की जो है ये जाली और बैक डेटेड है, और एक फिक्रा लिखवा दिया गया कि मेरे मामू जफर अब्बास ने माली को धमकी लगाई है कि मैं आबद बॉक्सर से तुझे मरवा दूंगा। ये जो बात या ये जो लाइन है एंटी करप्शन लॉ के मुताबिक कोई जुर्म नहीं बढ़ता, ज्यादा से ज्यादा अगर होता तो 506 का पर्चा मेरे मामू के खिलाफ दर्ज हो सकता था। मेरे मामू पे प्रेशर डाला गया, मेरे मामू ये प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके और वो बच्चों के साथ बैरून मुल्क चले गए। मियां शहबाज शरीफ साहब के हुक्म पर मुझे मुअत्तल कर दिया गया, मुअत्तल करने के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करने के बाद मुख्तलिफ थानों में मुझे जेरे हिरासत रखा गया। उसके बाद एक लेटर हमजा शहबाज का जो मंजरे आम पे आया तमाम पाकिस्तान के अखबारात में छपा, उसमें उसने फवाद असर फवाद साहब को लिखा कि आबद बॉक्सर के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाए, और एक फिक्र आखिर में लिखा प्लीज नोट इट दैट वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ listening the word legal or illegal। इसके बाद मुझे अच्छा जी अब ये जरा समझ जाए कि जो कत्ल और उसने शहबाज शरीफ एक और मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मैं आर्मी चीफ को अब कत्ल करवाना चाहता हूं, कि मैं प्लान कर रहा हूं आर्मी चीफ को कत्ल करवाने के लिए। और इस देखें वो जो होता है ना वो कहते हैं कि एक अंग्रेजी में है कि टेक्स अ थीफ टू कैच अ थीफ, यानी चोर जो होता है वो चोर को पकड़ सकता है क्योंकि चोर चोर की तरह सोचता है, क्योंकि ये सारी जिंदगी ये जुराइम पेशा लोग हैं, ये इसको पता है कि इमरान खान कोई कत्ल नहीं करवाना है, उनको पता है कि नाम है सबको क्वेटा को पता है ना मैंने उसको कत्ल करवाया ना ये जिले शाह को, लेकिन ये झूठे इल्ज़ाम लगाने के ये मास्टर है। अच्छा ये कत्ल ये हो गया जी, मर्डर केसेस ये मेरे पास एक FIR उधर की कटी हुई है और एक इन्होंने जिले शाह के ऊपर और चेंज करके कटवा दिए। फिर आ जाए जी दहशतगर्दी, ज्यादातर अब मेरे पर केस दहशतगर्दी की अदालतों में है। अब वो दहशतगर्दी केसेस कैसे हैं, 9 मई से पहले केसेस हैं, वो केसेस क्या है जनाब, मैं कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है किसी कोई मुजाहरा हो रहा है PTI का, कोई मुजाहरा में कोई इंसिडेंट होता है जनाब इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का केस, एक इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा हो रहा है उसके अंदर कुछ आपस में कुछ होता है मुझे क्या पता, इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा, मरियम नवाज की वीडियो है सबके पास कि ये जाके ये जब इसकी पेशी होती है नैब के अंदर तो पथराव करते हैं नैब के ऊपर, गाड़ी भरी होती है जिसमें पहले पत्थर लेके जाते हैं पथराव होता है, कोई केस हुआ उसके ऊपर, कोई दहशतगर्दी का केस हुआ, कोई केस हुआ तो कुछ भी होता है कोई डेमोन्स्ट्रेशन के इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का। अच्छा फिर 9 मई आ जाए, हम 9 मई के बाद मेरे ऊपर एक और बारिश होगी केसों की, अब हर रोज कोई नया केस आ जाता है कि वो जी मियाँ वाली में वो जो जहाज जलाया गया था वो उसमें भी इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का केस है, सारी जगह केसेस आ गए। अब ये पहले 9 मई को क्लियर कर दें, 9 मई को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इमरान खान को 9 मई को अगवा किया गया था वो गैर कानूनी और गैर आइनी था, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब मजलूम मैं हूँ, मुझे उठाया जा रहा है एक दहशतगर्द एक मुजरिम की तरह वहाँ से डंडे मार के, रेंजर्स नहीं कमांडोज थे क्योंकि जो मेरे 4-5 कमांडोज थे उनको वो तो एकदम पहचान गए कमांडोज थे, कमांडो एक्शन में जो मुझे वहां से उठाया गया, मैं सवाल ये पूछता हूं कि कौन सी किस पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर को इस तरह की उसको जलील किया गया, लोगों को मारा गया, वहां के स्टाफ को मारा गया जो वहां स्टाफ बैठा हुआ था रजिस्ट्री ऑफिस का हाईकोर्ट का स्टाफ, वकीलों को मारा गया, डंडे मारे गए, वो बेचारे 4-5 गार्ड थे इतने ज़्यादा उन्होंने उनको मारा,
मेरे लगा डंडा जिस तरह मुझे पकड़ के लेके गए। अब सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी था, जलील किया मुझे। उसके ऊपर जो रिएक्शन आया वो आना था, सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, तो क्या लोगों को जो देख रहे थे उस, और सिर्फ रिएक्शन यहां नहीं आया, जिधर पाकिस्तानी इंटरनेशनल था वह सारी जगह रिएक्शन आया। रिएक्शन आना था क्योंकि लोग मुझे 50 साल से जानते हैं, तो जो लोगों ने देखा अपनी आंखों के साथ उसके ऊपर रिएक्ट ही करना था। तो मजलूम यानी जुल्म मेरे पे होता है, मेरे लोगों बिल्कुल उनकी जायज होती है कि वो आके पुरमन एहतजाज करें क्योंकि कानून इजाजत देता है। एक नाइंसाफी होती है उसके ऊपर पुरमन एहतजाज करते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान, फिर से मैं कहता हूं अब इंटरनेशनल जो होता है क्या वहां भी वो गलत लोग निकले थे? उस सब को एक बस जनाब फौज के खिलाफ कुछ हो गया, शोधा के खिलाफ कुछ हो गया, उसको उस मद में डाल के कोई बात नहीं करता कि वहां गोलियां चलाई गई, नहाते लोगों को मारा गया, 25 लोग कम से कम इन्होंने मारे हैं क्योंकि हमें पूरी तरह पता नहीं है, जो पुलिस ने 25 लोगों को गोली कत्ल किया, शहीद किया मैं कहता हूं, क्योंकि पुरमन एहतजाज हक के लिए, एक नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना तो हमारा हक है, उसके ऊपर लोगों को कत्ल किया गया, और वो शहीद हैं। जो इंसाफ के लिए खड़ा होता है उसको शहीद कहते हैं। 16 के पास हमारे एड्रेसेस हैं, जो 16 जो उनके रिश्तेदार हैं उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, वो बेचारे डरे हुए बैठे हैं, मुश्किल से नाम दे रहे हैं, जो बाकी 8-9 हैं वो हमें बता ही नहीं रहे क्योंकि वो डरे हुए अंडरग्राउंड चले गए हैं। इस तरह इन्होंने, जिस तरह जिले शाह के घर सारी पहुंच गई थी इनकी सारी, पंजाब के IG और सारे, और उसे जब जब उसकी जब बॉडी थी तो उसको कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ, ज़मीन पे पड़ा, ये मिला है साइड पे, जो सारे बॉडी के ऊपर जो पोस्टमार्टम में तशद्दुद के, क्योंकि कभी एक्सीडेंट में भी तशद्दुद होता है, तो सारी पुलिस पहुंच गई और वो बेचारे पीछे सहम गए। उसी तरह सारे जो उनके रिश्तेदार हैं जो हुआ है वो सारे सहम गए, 9 का हमें पता नहीं चल रहा, और 16 जो हैं उनके उनको वो दे नहीं रहे, उनको रिपोर्ट नहीं दे रहे, उनके पोस्टमार्टम नहीं कर रहे। तो पहले तो उनको कत्ल किया, शहीद किया, उसके बाद उन्हीं के ऊपर दबाव डाल दिया, जो मजलूम है उन्हीं के ऊपर डाल दिया, केसेस भी उनके ऊपर कर दिए। उसके अलावा जो टोटल गोलियां लगी हैं वो 100 से 200 गोलियां लगी हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हुए थे उनको उठा के जेलों में ले गए जो जिनको गोलियां लगी थी, 3 की टांगें कट गई, 1 पैरालाइज हो गया जो पीछे गोली लगी, लेकिन सिर्फ वो जी वो बिल्डिंग्स को आग लगा दी। भाई हम सारे मुजम्मत करते हैं, मैं वो जजमेंट में देख लें चीफ जस्टिस की, कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, मैं तो जब चीफ जस्टिस के वहां सामने हुआ उन्होंने बताया कि जी, मैंने कहा मैं सख्त मुजम्मत करता हूं, 27 साल से मैंने लोगों को कहा हुआ है कि कानून के बीच में रह के हमने हमेशा और रहे हैं कानून के बीच में, हमेशा एहतजाज हमने कानून के बीच में किया। मैं जब हमने जब 126 दिन का धरना दिया, मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वो हमारा प्रोटेस्ट था, क्या हुआ, कितनी क्या लड़ाई, कोई लड़ाई हुई, कोई लोगों को मारा धाड़ा, सारी दुनिया आती थी प्रोटेस्ट करके चली जाती थी। मैंने कोई 70 जलसे किए पावर से निकलने के लिए, 70 तारीख में सबसे बड़े जलसे हुए, कोई बताएं कोई किसी किस्म का इंतशार हुआ, मुझे गोलियां लगी तो कोई बिल्डिंग जलाई गई। तो ये जो हुआ है हम बार बार कह रहे हैं कि जी इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाएं, हर चीज़ की हमेशा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती, हमारा कुछ सुन ही नहीं रहा। हमारे पास जो एविडेंस है कि ये लोग अंदर घुसाए हुए थे जिन्होंने जाके ये जो जलाई है, मैं चैलेंज करता हूँ कि ये जो हुआ है कोर कमांडर का घर, इसके ऊपर सही इन्वेस्टिगेशन हो, आपको पता चलेगा कि पीछे कितनी बड़ी साजिश हुई है। ये सबसे पहले तो पंजाब पुलिस IG पुलिस से पूछे, जब कैपिटल हिल के अंदर वॉशिंगटन में जब ट्रंप के सपोर्टर्स चढ़ गए, सबसे पहले उन्होंने पुलिस चीफ को खारिज करवाया, उसको उससे फारग किया, तो इससे क्यों उन्हें कोई पूछ रहा? ऊपर से ये कह रहे जी इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में, ये इमरान खान इसमें मुलव्वज़ था, तो इन्होंने तो पहले से ही प्लान बनाया हुआ था कि इसको इस्तेमाल करना है एक पूरी जमात को, जो सबसे बड़ी जमात को ख़त्म करने के लिए, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों को जेलों में डाला, जो कर रहे हैं लोगों से, यानी
मैं कभी नहीं समझता था कि ये मुल्क इतना नीचे चला जाएगा कि हमारी अखलाकियात इतनी गिर जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग भी जाने से पहले कहते थे, ना तुमने औरतों को मुखालिफ दुश्मनों की, ना औरतों को, ना बच्चों को, ना बूढ़ों को, ना दरख्त काटते हैं, यानी इतना दुश्मनों के खिलाफ था जो हमारे साथ हो रहा है। और ना औरतें देखते हैं, ना बच्चे देखते हैं, ना उनकी बिजनेसेस देखते हैं, जिस तरह का उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले सबके ऊपर पहुंच जाते हैं। यानी ऐसी कभी मैंने इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो हमारे खिलाफ इस वक्त हो रहा है। और आड़ किसकी ले रहे हैं? जनाब बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हमने 9 मई को, तो 9 मई को जो मेरे से जुल्म हुआ, जो शुरू ही हुआ, जो जिसकी वजह से सारा कुछ रिएक्शन हुआ, उसके ऊपर तो कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई। और इसलिए मैं ये अभी तो जो केसेस अब बन रहे हैं उसकी आड़ लेके हर दूसरे दिन एक नया दहशतगर्दी का केस बन जाता, जो 180 तक पहुंच चुका हूं। और ये अब मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए कि मैं सारी जगह भागा फिरूं। कोई मियांवाली में केस है, फैसलाबाद में केस, जिधर जिधर जी वो 9 मई का बना के जिसको केसेस है। तो कोशिश कर रहा हूँ, मुल्क से तो नहीं भागूंगा, होगा, हो सकेगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं ये नहीं कर सकूँ और जेल में डाल देंगे, डाल दे, तैयार हूँ मैं जेल के लिए। सिर्फ एक और मैं चीज़ कहना चाहता हूँ, ये 144 से लगा देते हैं, एक ये नया ड्रामा शुरू किया। हम अब इलेक्शन कैंपेन 8 मार्च को इलेक्शन कैंपेन का अपना आगाज़ करते हैं, 7 मार्च को बैठ के पुलिस से तय करते हैं रूट ये लाहौर की कि हम अपनी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल का इलेक्शन अनाउंस कर देता है, तो हम अपनी आगाज़ करते हैं कैंपेन का। सुबह पता तो चलता है जी एकदम सारी जगह पुलिस पहुंच गई, रास्ते बंद कर दिए, वाटर कैनन्स आ गई हैं, टेयर गैसिंग शुरू हो गई, जो रैली, और मैं घर बैठा इंतज़ार कर रहा हूं, अब मैंने रैली ज्वाइन करनी है, पता चला जनाब टेयर गैसिंग हो गई है, मेरे घर के बाहर पुलिस पहुंच गई है। उसके बाद अगले दिन उस दिन जलेशा कत्ल हो जाता है, और जो तशद्दुद से उसको बेचारे को शहीद करते। उसके बाद ये जरा सुनते जाएं, 14 मार्च को वारंट आ जाती है मेरे घर में कि जी आपको हम पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने वो 18 मार्च को मैंने एक अदालत में अपेयर होना है, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में, चार दिन पहले पुलिस पहुंच जाती है। आपको अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश भी होना है तो एक दिन 24 घंटे में पेश करना पड़ता है, वो 4 दिन पहले पुलिस पहुंच जाती है। और वो जो केस था, मैं कह रहा हूँ, मैं हमारी सीनियर लीडरशिप कह रही है हाँ जी इमरान खान अदालत में पेश होगा, वो सारे बार पुलिस को कह रही है, वो सुन ही नहीं रहे। उसके बाद जो ये जरा समझ रहे हैं, जो CRPC क्रिमिनल कोर्ट का जो सेक्शन 75 है उसके मुताबिक अगर आप वकील आपको अश्योरिटी बॉन्ड दे देता है कि इमरान खान 18 को पहुंचेगा तो वो अरेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ का जनाब जो CCPO है उसके पीछे मेरा वकील, और वो भी वकील भी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, वो पीछे फिर रहे अश्योरिटी बॉन्ड लेने के, वो मिल ही नहीं रहा उसे, क्योंकि बदनीयत है। यहाँ फिर मुझे अगवा करने आए थे, 24 घंटे मेरे घर के ऊपर अटैक किया। अच्छा अब फिर 144, वहाँ हमारा 14 मई को जब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करने जा रहे, तो हम 6 मई को अपनी आइन के लिए, क्योंकि आइनी तौर पे इनको इलेक्शन करवाना चाहिए था 14 मई को, जब आइनी तौर पे इलेक्शन नहीं कर रहे तो हमें क्या पता चलता है कि जी एकदम इस्लामाबाद में हम रैलीज निकाल रहे हैं, सारे मुल्क में रैलीज निकल रहे हैं, इस्लामाबाद में रैली निकलती है 140 इमरान खान के ऊपर, यहाँ केस हो जाता है। सारे पाकिस्तान में रैलीज निकल रही हैं लेकिन इस्लामाबाद में जी क्योंकि 144 लगा दिया था, वो 144 लगता ही सिर्फ हमारे लिए। मौलाना फजलुर्रहमान ने रेड जोन में जाके 144 के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बाहर पूरा गालियां निकाली चीफ जस्टिस को, अदालतों को गालियां निकाली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खड़े होके, और इन सारों ने तकरीरें की रेड जोन के अंदर। उसके लिए 144 नहीं था, उसको बल्कि फैसिलिटेट कर रही है हुकूमत जाके वो रैली निकालने के लिए। लेकिन एक आइन को के लिए, एक आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है उसके लिए रैली निकल रही है, और उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर केस। तो ये हैं इस तरह के केसेस। मैं आखिर में अब कहना क्या चाहता हूँ, देखिए मैं अपनी कौम से बात करना चाहता हूँ।
मैंने तो इसका मुकाबला करना ही है, मैं तो आपको कह बैठा हूँ, इतने ज़्यादा केसेस हैं मेरा तो, अब मैं बल्कि मैं वकील ही तकरीबन बन गया हूँ, और मेरा अब अदालतें तो मेरे ऑफिस ही बन गई हैं, मेरा तो हर रोज़ ऐसे है कि जिस तरह मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और मैं तो इसका मुकाबला करता रहूँगा। लेकिन ये हो सकता है कि मैं अब एक, अब मैं मियाँ वाली भी जाना है तो क्वेटा भी जाना है, ये हो सकता है कि मैं अब ना करूँ, इन्होंने वारंट निकाल दिया, अरेस्ट कर देंगे, प्लान तो इनका कि किसी ना किसी तरह इसको अरेस्ट करो ताकि ये जेल में जाए और फिर इसकी पार्टी तोड़ो और उसके बाद फिर इलेक्शन राउंड करो, ये इनका प्लान है, मैं तो उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपनी कौम से आखिर में क्या कहना चाहता, देखें ये जो हो रहा है ना, ये इमरान खान बने प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन जीते ना जीते, जेल में जाए, लेकिन मसला तो पाकिस्तान का है इस वक्त। तो मैं आपके लिए अब कह रहा हूँ, ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क की अब तबाही है। ये जो चोर ऊपर बैठ गए हैं, और मैंने आपको इनके केसेस बताए, ये तो कुछ भी नहीं है केसेस, इनके ऊपर तो पूरी किताबें हैं इनकी केसेस के ऊपर, इनके ऊपर तो बाहर की किताबों में इन दोनों के जरदारी और नवाज शरीफ खानदानों के ऊपर चोरी के ऊपर इनकी, इनके ऊपर किताबों के अंदर मेंशन किया हुआ है, बाहर के अखबारों में है, ये एक दूसरे के मुतालिक क्या कहते थे, एस्टेब्लिशमेंट इनके मुतालिक क्या कहती थी, तो इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है कि इन्होंने क्या किया। अब ये जो प्लान बन रहा है कि इमरान खान को जेल में डाल के इनको वापस लेके आना, चले इमरान खान जेल में भी चला जाता है, ये वापस भी आ जाते हैं, लेकिन मुल्क का क्या बनता है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मुल्क का जो हालात हैं, ये जो जनरल बाजवा ने ये इंजीनियरिंग करके इनको ऊपर बैठाया है, क्या मुल्क बच जाएगा ऐसे? मुझे ये बताएं कि माशी, सिर्फ माशियत को देख लें कि हम जब एक साल, मेरे हटाने से एक साल पहले जो हमारा डॉलर, क्योंकि असल मसला पाकिस्तान का डॉलर्स का है, हम क्यों आईएमएफ के घुटनों में फिर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स की कमी है, आईएमएफ से हमें डॉलर्स चाहिए। लेकिन जिस वक्त हमारा जो आखिरी साल था, 8.7 अरब डॉलर का हमारा डॉलर इनकम में इजाफा हुआ था, एक्सपोर्ट्स में और रेमिटेंसेस में 8.7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था। इस साल जब से ये जनरल बाजवा के ये तोहफे आए हैं, इन्होंने एक साल के अंदर 8.5 अरब डॉलर की कमी की है रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स में। वो जो हमारा बढ़ा था और हमारा पूरा माशाल्लाह जिस तरह हम जा रहे थे, मजीद हमारे और बढ़ना था क्योंकि हमारा दो साल में बढ़ता जा रहा था, इनका एक साल में 8.5 अरब डॉलर कम हुआ है रेमिटेंसेस में और एक्सपोर्ट्स में। इसका मतलब कि 3 अरब डॉलर के तो हम कर्जे ले रहे हैं उनसे, और जो आमदनी है वो सुकड़ती जा रही है। अगर एक घर के अंदर आपके ऊपर कर्जे चढ़ते जा रहे हैं तो आप आमदनी बढ़ा के कर्जे वापस करेंगे ना, अगर आमदनी आपकी कम हो रही है तो कर्जे आपने कैसे वापस करने? तो ये है तबाही की तरफ, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाहदार तबका पिस गया है, अवाम को सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, जो इस मुल्क के काबिल लोग हैं वो बाहर जाने का सोच रहे हैं, 9 लाख प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं क्योंकि उनको उम्मीद नहीं नजर आ रही, क्योंकि उम्मीद ये जब इन शक्लें देखते हैं जो दुबई में बैठ के गिद्धों की तरह पाकिस्तान की बंदरबांट कर रहे थे, वो लोगों के लोग पाकिस्तान से मायूस हो गए हैं, आगे नजर कुछ नहीं आ रहा। ऊपर इंसाफ का निजाम जिस मुल्क में ये हो कि ये चोर ऊपर बैठ के अपने केसेस अरबों रुपए के, 1100 अरब रुपए के केस माफ करवा दें, और वो जो लोग जिनकी इंसाफ की तहरीक जो 27 साल लेके आए थे कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, उनके ऊपर केसेस की बारिश हुई हुई है, इनके ऊपर 3-3, 4-4 केसेस थे, मेरे पर 180 के करीब केसेस हैं, कभी हुआ है दुनिया में किसी मुल्क में ऐसे कभी हुआ है? लेकिन ये हो इसलिए रहा है कि यहां मुजरिम ऊपर बैठ गए हैं। और मैं कौम को आज कह रहा हूं, मैं सारे वो लोग जो कि ये गलत काम कर रहे हैं इन चोरों के लिए, देखिए अल्लाह ने क्यों कहा था कि रिस्क मेरे हाथ में है, उसने इसलिए कहा था कि कोई अपनी रिस्क बचाने के लिए, तनख्वाह बचाने के लिए, नौकरी बचाने के लिए आप कोई गलत काम ना करें। आपके ऊपर अल्लाह ने लाजम किया हुआ है कि आप कानून के मुताबिक चलें। बरतानिया में किसी पुलिस वाले की जरूरत, किसी ऊपर ऑफिसर की जरूरत ना हो कि नीचे पुलिस वाले को कह के गलत काम करो, किसी के घर के तोड़ के अंदर चले जाओ, वहां उसका घर लूट लो, उनकी बिजनेसेस बंद कर दो,
जरूरत ना हो, पुलिस चीफ की जरूरत ना हो, क्योंकि उसे पता होगा कि कानून में वो नीचे खड़ा होगा कहेगा मैं ये नहीं करता, ये कानून मुझे इजाजत नहीं देता। वहां आप वहां का, इसलिए वो कामयाब है मुल्क, इसलिए हमारे लोग बेचारे समुद्रों में डूबने की रिस्क लेते होते पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां इंसाफ है। वहां किसी को गलत काम करने के लिए आप हुक्म नहीं दे सकते, क्योंकि कानून है, इंसाफ है, राइट्स हैं लोगों के, उनके फंडामेंटल राइट्स की उनकी अदालतें उनकी हिफाजत करती हैं। यहां पकड़ पकड़ के जिसको मर्जी उठा के अंदर जेलों में डाल दो, जिसको मर्जी तशद्दुद करो। जो तशद्दुद की कहानियां हैं इतनी खौफनाक हैं जो ये इस वक्त लोगों के ऊपर हो रही है, पकड़ चुन चुन के लोगों को ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, सर इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है ये। तो जो लोग ये सारे लगे हुए हैं और नैब में बैठे हैं, एफआईए में बैठे हैं, पुलिस में बैठे हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, मैं सारों को आज कह रहा हूं कि देखें आप अल्लाह को जवाब दें। आप ये जो चीज़ें कर रहे हैं, आप अपने मुल्क की तबाही के रास्ते पे मुल्क को लेके जा रहे हैं और आप अपनी आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जब रिस्क अल्लाह ने कहा मेरे हाथ में है, आपको गलत काम करना और गुनाह करना कि ये ना कहना ऊपर वाले को कहेंगे कि नहीं जी मैं तो क्या करता, मुझे ऊपर से गलत ऑर्डर आया है। आपका आपका राइट है कि गलत ऑर्डर्स आप ना माने, ये आपको कानून इजाजत देता है, जो कि किसी भी मगरबी जमहूरियत के अंदर किसी की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिसर की जरूरत नहीं है किसी निचले वाले से गलत काम करवाया जाए। ये मैं सिर्फ आखिर में इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ने अमर बिल मारूफ का हमें हुक्म दिया हुआ है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ जहाद करो, वो माशरे का बुनियाद बनती है और अदल और इंसाफ और अमर बिल मारूफ पे माशरा खड़ा होता है, जो वो माशरा ऊपर जाता है जो मदीना की रियासत में हुआ था। और उसके जब आप खिलाफ जाएंगे तो वो आप अपने फिर तबाही का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जिस तरफ इस वक्त हम तेज़ी से जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदा।